नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर एक नौजवान ने लड़की को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर के नकोदर चौक के नजदीक एक शराबी ने कार से नान की रेड़ी को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी को किया काबू। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में 12वीं पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स नेशनल अवार्ड अध्यापक ने जीता कांस्य पदक। वापस लौटने पर किया भव्य स्वागत। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर गत दिवस एक 37 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में बठिंडा पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया 32 बोर का रिवॉल्वर भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए आईजी बठिंडा रेंज एसपीएस परमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखपाल सिंह उर्फ सुरिंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो कि गांव बलवाना का रहने वाला है। आरोपी रिश्ते में मृतिका का भांजा लगता है। मृतिका कुलविंदर कौर के पति के देहांत के बाद उसके अपनी मामी के साथ अवैध संबंध बन गए थे और वह लिविंग रिलेशनशिप के तौर पर रह रहा था, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट में मैरिज करवा ली। लेकिन पिछले काफी समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। यही नहीं, कुलविंदर कौर ने सुखपाल सिंह पर 2017 में बलात्कार का केस भी दर्ज करवाया था। इस मामले में दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद फिर से वह एक होकर रहने लग गए थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच इसी मामले को लेकर झगड़े बढ़ते गए और गत दिवस को यह झगड़ा मौत का कारण बना। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में किडनैपिंग, चोरी, डकैती, लूटपाट सहित 13 के करीब मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਵੈਪਨ ਆਫ ਅਫੈਂਸ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਇਹ ਵੈਪਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟ ਕੋ ਦੇ 13 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਫੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। गत रात्रि जालंधर के नकोदर चौक के नजदीक एक शराबी ने फुटपाथ पर लगी नान की रेहड़ी को टक्कर मार दी, जिस कारण रेहड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस मौके पर रेहड़ी के मालिक सोनू ने बताया कि शराब का सेवन किए हुए एक व्यक्ति ने बंद दुकान में कार से टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी दुकान बुरी तरह से टूट चुकी है, जहां तक कि दुकान में लगा तंदूर भी टूट गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और कार चालक को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। इस मौके पर थाना 4 के प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि कार चालक को रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। जिस दुकान का नुकसान हुआ है उसके मालिक के बयानों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दारू पीती जी लिया के गड्डी इन्होंने बंद दुकान दे विच मरी है। अच्छा जी, मेरिया दोनों रेहड़ियां तोड़ दी गई, दो तंदूर तोड़ दिते हैं, रेहड़िया का बचिया कुछ नहीं। एक कड्डा सीगा जेड़ा, हाँ जी, वो भी सारा तोड़ दिता गया। जा तुहाडे सामने मौके ते देख लो, गड्डी विच बड़ी दुकानदारी दा बड़ा बड़ी बना लो। ते गड्डे गड्डी केड़ी है? गड्डी जेन है जी, जेन अल्टो है। अल्टो, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, हालत देख लो गड्डी दी, बंदा दारू पी के चला रहा है। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ। ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में हुई 12वीं पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स में नेशनल अवार्डी अध्यापक हरिंदर गरेवाल ने भारत की तरफ से 40+ में भाग लिया और हॉकी क्लब नाइट स्टिक्स की ओर से खेलते हुए कांस्य का पदक जीतकर पंजाब और देश का नाम रोशन किया है, जिनका ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटने पर गाँव वासियों, स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर हरिंदर गरेवाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में खेलों की तकनीक बहुत
बहुत ही बढ़िया है। यह तकनीक वे अपने खिलाड़ियों को सिखलाएंगे। उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि पंजाब में खेलों के बढ़िया मैदान बनाए जाएं ताकि पंजाब के खिलाड़ी खेलों में बढ़िया प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करें। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। इंटरनेशनल मास्टर गेम्स हो रही थी तो वो खेलने वास्ते गए थे तो उत्थे साडा 40 प्लस ग्रुप के मैं इस ग्रुप के खेडिया ब्रॉन्ज मैडल आया जी। बड़ा अच्छा महसूस होया जी। तो अपने नैशनल लैवल से तो खेडते हैं, पहला इंटरनेशनल लैवल का पहला तजर्बा से जी। ये उत्थे एक प्राउड फील कर अपनी कंट्री वालों खेडते तो अपने पंजाब वालों खेडते हुए बड़ा माण महसूस करते हैं जी। अच्छा एक्सपीरियंस होया बच्चों, असी नवी नवी टेक्नीक सिखावे, नवे नवे सिस्टम उन्हों का की सगा, उन्हें टेक्नीक की ने सीख के आए हैं। बहुत सारिया चीज़ा जो बच्चों के बेनीफिट के लिए ने तो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल हो जी। सरकार जी तो असं एक ही सुझाव देना चाहते हैं जी, बेनती करना चाहते हैं भी जे हो सके जिहड़े अच्छे सेंटर चलते हैं उन्होंने अपलिफ्ट किया जाए। सर जो मैडल जीत के लैके आने मैं बहुत खुशी हुई है, मैनू ही नहीं सारे बच्चों भी बहुत खुशी हुई है। क्यों? क्योंकि सर ना साडा बहुत प्यार है तो सर साडा बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। सर सानू फ्री ट्रेनिंग देंगे ने सुबह तो शाम ग्राउंड हॉकी तो कबड्डी की तो होर स्कूल के बहुत कम ने मैं गिना नहीं सकता जी। सर साढ़े लिए इनकी इन्नी वड्डी चीज़ जित के लैके आया, असं थोड़ा दस इनकी सानू इन्नी खुशी असं थोड़ा शब्दों से बयान करके नहीं दस सकते। सर साढ़े लिए 24 घंटे असं थोड़ा सर सर फोन मारे सर कहेंगे हाँ दसो थोड़ा की काम है, सर आ कम है कोई नहीं मिनटा च हो जाएगा। यानी कि सर ने सू ना एजा सू कोई कम कह सर ने सू मना ना किया भी असं सर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। संगरूर में राधा स्वामी सत्संग घर की दीवार पर खालिस्तानी नारे लिखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो वहां पर नारे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है जहां पर राधा स्वामी सत्संग घर संगरूर नंबर 1 लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे यह नारे लिखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद डेरे के सेवादारों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। वे रात को 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं और सुबह 5 बजे यहाँ पर सेवादार आने लग जाते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। डेरे के सेवादारों ने कहा कि वे अपनी मर्जी से कैमरे नहीं लगा सकते, डेरे की परमिशन से ही यहाँ पर सारे काम होते हैं। पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। कितने ड्यूटी है जी? इतने टेंपरेरी जो कि आया हूँ मैं 2-3 दिन वास्ते। अच्छा जी, रात में दिने 24 घंटे यानी बैठी रहना। अच्छा जी, की एपिसोड होया गया जो पता लगे जी? कुछ भी सानू तो कुछ नहीं पता लगे जी, साढ़े को ध्यान से नहीं आई कोई चीज़ का। अच्छा जी, जी वीडियो वायरल जी हुई है किसी ने लिख के लाता खालिस्तान का जी? हाँ जी, सानू वो बारे कुछ नहीं पता। अपने उरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं जी? लगे हुए सीसीटीवी कैमरे लगे नहीं हुए। तुसी किन्ने बारे बजे रात सुते सीगे ते किन्ने बजे उठ के कुछ देखा? 10 बजे पए आ जी असीं ते सवेरे 5:30-5:30 बजे सेवादार आउण लग जांदे ने बाहरों अंदर सेवा करन वास्ते। उन्होंने भी साढ़े कोई ध्यान चिन्ह की गल भी है जी, कोई जे उन्होंने नोटिस आती तो वो दस दे सकते। कोई बैनर वगैरह तुसी देखिया कि नहीं देखिया? ओके, हुण पुलिस आई है, वो की कर रही है जी? वो देख के भागे बस, सानू पुछ रहे ने ते कैमरिया बारे कह रहे सीगे। असीं उन्हां नूं दस्सदा भी असीं आप कुछ नहीं कर सकते, डेरे की परमिशन के नाल ही दुखी हो। श्री दरबार साहिब पर विवादित बयान देने वाले शिवसेना बाला साहिब के जिला उप प्रमुख हरविंदर सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरविंदर सिंह सोनी को CJM कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अज हरविंदर सोनी जो पेश किया कोर्ट के पुलिस रिमांड मंगया गया सी, पर जज साहब वालों जो जुडिशियल रिमांड किया गया। शहरी के पेड़ों पर फाइटोप्लाज्मा नामक बीमारी का कहर छा गया है जिससे लगभग 200 करोड़ रुपयों का नुकसान होने का खतरा जताया जा रहा है। बागवानी विभाग ने इसे लेकर विशेषज्ञों की टीम फील्ड में भेजी है जो कि बीमारी से ग्रस्त पेड़ों के सैंपल इकट्ठा करेंगे। यह जानकारी बागवानी विभाग के निर्देशक सुरेश मोक्टा ने दी। उन्होंने बताया कि बीमारी की रोकथाम के लिए स्प्रे शेड्यूल पर भी काम किया जाएगा। पत्तों के झड़ने के कारण 3 अप्रैल में फाइटोप्लाज्मा पर सही तरीके से काम हो पाएगा। गौरतलब रहे कि 140 से 150 बागानों के चेरी के पेड़ फाइटोप्लाज्मा की चपेट में हैं। शिमला जिले का बागी
कोटगढ़, नारकंडा और कुमार सैन में चेरी की फसल होती है। कई वर्ष पहले सिरमौर के राजगढ़ में आड़ू की फसल में यह बीमारी पाई गई थी, जिससे क्षेत्र में आड़ू की फसल का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, जिसके चलते बागवानी विभाग ने विशेष बैठक बुलाकर स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार की है। जो फाइटोप्लाज्मा बीमारी है, ये जो हमारा जो चेरी बेल्ट है, अगर हम देखें टॉप की चेरी बेल्ट जो हमारी है, नारकंडा, कोटगढ़, कुमारसेन और जो ये क्या बोलते हैं बागी, कोटखाई का रीजन है, इसमें ज़्यादा चेरी होती है। तो इसमें जो बागी रीजन है और जो 7,000 मीटर से ऊपर की, जो 7,000 फीट से ऊपर की जो बेल्ट है, उसमें ज़्यादा पाया गया है। 3-4 गांव जो है जिसमें कि बागी के गांव हैं, मापलू, जंगरोली, शाक्टा, एक आदियाला, वे 5 गाँव हैं जिसमें कि 140-150 फार्मर्स क्लेम कर रहे हैं और कुछ कुछ फीडबैक भी है और सैम्पलिंग भी की गई है। तो 60-70% पौधों में ये लगभग पाया गया है। तो अभी देखें तो ये हम कह सकते हैं कि यानी कि जून जुलाई में फीडबैक मिला, सितंबर में साइंटिस्ट भी कंफर्म कर रहे हैं, और जैसे ही हमें इसका पता चला तो हमने एक मीटिंग जो सभी फार्मर्स ग्रुप के साथ, अपने एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट के साथ, वो भी सेंड की है, और इस बीमारी से एग्जैक्टली कैसे निपटा जाए इसके लिए भी हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। सोनी सब चैनल जल्द ही नया शो दिल दिया गल्ला लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें पलायन की कहानी दिखाई गई है जो भावुक कर देती है, पर इसे सकारात्मकता और आशा के नजरिए से बयान किया जाएगा। वहीं शो के मुख्य कलाकारों में एक्टर पंकज बेरी, जसजीत बब्बर, संदीप बसवाना, रवि गोसेन, कावेरी प्रियम और हेमा सूद शामिल हैं। ये सभी कलाकार वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए स्वर्ण मंदिर में पहुंचे। इस अवसर पर कलाकारों ने बताया कि इस शो में एक परिवार की 3 पीढ़ियों के बीच रिश्तों के उतार चढ़ाव की कहानी को दिखाया गया है। ये परिवार के सदस्यों के बीच भौतिक और भावनात्मक दूरियों से उपजे संघर्ष की कहानी है, जिसमें पहली 2 पीढ़ियां अपने अतीत को भूलने और माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब 3री पीढ़ी दूरियों को मिटाने की ठानती है तब उन्हें दोबारा रिश्ते बनाने पर विवश होना पड़ता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दिल दिया गल्ला एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसको ऊपर से देख के लगेगा कि शायद ये दूरियाँ देश प्रदेश की शारीरिक दूरियां की वजह है, लेकिन जब हम इसको गहराई से देखेंगे तब समझ में आता है कि नहीं, ये तो उजड़े हुए लोगों की है जिनके दिल टूटे हुए हैं, शायद गलत फहमियाँ, अहम, पुराने ख्यालात, ये 3 जनरेशन की कहानियाँ हैं। हाँ जी, मेरा नाम है संदीप बसवाना और हमारा जो सीरियल है ये आ रहा है सोनी सब टीवी के ऊपर, इसका नाम है दिल दिया गल्ला, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और प्रोमो अभी हमारा चल रहा है और प्रोमो को बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है उसका, और ये गारंटी है बहुत ही प्यारा शो बना है, फैमिली बेस्ड शो है, पंजाब बेस्ड शो है, तो आप सारे देखें, प्यार दें उसको। इसके अंदर हमारे ये पंकज बैरी साहब हैं, ये मेरे पिताजी बने हुए हैं, ये रवि गोसाई हैं, मेरे भाई बने हुए हैं, ये हमारी जसप्रीत ब्राड जी हैं, हमारी माँ बनी हुई हैं, ये कावेरी है मेरी बेटी बनी हुई हैं। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ जी, इत्थे आके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो सरदार का रोल करन च मैनूं बड़ा स्वाद आता, पहले भी मैं बड़ी फिल्मां कीतियां ने सरदार के रोल में, पर आ जड़ा रोल हैगा बड़ा निराला जो रोल हैगा जी, बहुत कमाल का करैक्टर हैगा, आ शो ही बड़ा कमाल का हैगा। तो बाबा जी का आशीर्वाद लैन वास्ते असी सारे इत्थे आए हैं। मेरिया तो यादा बचपन की वैसे ही बहुत जुड़िया अमृतसर नाल, मैं पहले भी बड़ी बारी आया और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। द बिगनिंग ऑफ द शो इतनी पॉजिटिविटी है कि हमें इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हमें ऑलरेडी फीलिंग आ रही है कि शो बहुत ज़्यादा हिट होने वाला है। ये जो कहानी है वो 3 जनरेशन्स की है, 3 अलग अलग पीढ़ियों की है, अलग अलग सोचने वाली जनरेशन्स की है। तो कैसे जो तीसरा जनरेशन है, आज का जनरेशन, वो कैसे 2 जनरेशन्स के बीच की जो दूरियां हैं, जो खटास है, उसको दूर करता है, तो ये जो पूरी कहानी है वो उसी पर आधारित है।
सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल चंडियाला गुरु में मंगल सिंह किशनपुरी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एहसास फाउंडेशन द्वारा प्रिंट मीडिया पर विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग पत्रकारों द्वारा अपने विचार पेश किए गए। इस अवसर पर मंगल सिंह किशनपुरी ने संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो सच्चाई को सामने लाता है, इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है। इसके अलावा मीडिया को उन्होंने एकजुट होने की अपील भी की, जिसका पत्रकार भाईचारे द्वारा समर्थन किया गया और कहा कि सभी पत्रकार गुटबाजी को छोड़कर एक छत के नीचे इकट्ठे हों। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज एहसास फाउंडेशन वालों एक मीडिया के संबंध में गोष्ठी कराई गई है, और जिदा तुम सामने देख सकते हो कि प्रिंट मीडिया नू चुनौतियां विचार विस्तार अते सम्मान समारोह। तो ये संबंध में जंडियाला गुरु और आस पास के इलाके के पत्रकार वीर ने और सारे अज इतने सदा पत्र दिता गया सी। सारे ने बैठ के सवेर तो लैके हुण तक पत्रकारिता दे विच जिहड़ियां चुनौतियां उन्हां ते भरवीं बहस की है, आपो अपने विचार प्रगट किए हैं कि पत्रकार का जिहड़ा विशा जिहड़ा है ये किस तरह होर वधिया हो सकता है, इस विच कीड़ियां मुश्किलां ने वह किवें किवें फेस कीतियां जा सकदियां। और उस तो बाद सारे ही जिहड़े पत्रकार ने उन्हां नूं अवार्ड दिते गए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें गायक बिन्नी सावरिया एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया, तो वहीं इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, संयुक्त सचिव सीए वीएम अरोड़ा, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, बलदेव आनंद, पार्षद रीटा शर्मा, सीमा गलोत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला, मनु छाबड़ा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, गायक गोपाल पांडे, सुनील अरोड़ा, राजू मखीजा, रजनी मखीजा, शिवम मखीजा, मैत्री मखीजा, गायक प्रदीप पुजारी, अश्विनी चड्डा, हर्ष कुमार, पवन मेहता, राजू शर्मा, यश प्रभाकर, अर्जुन मल्होत्रा, दीपक कपूर, संजू शर्मा, महंत अश्विनी शर्मा, राजेश वासल, विनय आर्य, दीपक झांझी, राकेश बिल्ला, ललित शर्मा, लकी, इंद्रजीत सिंह राही, अश्विनी चोपड़ा, अरुण वर्मा और नीरज मित्तल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर एक नौजवान ने लड़की को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर के नकोदर चौक के नजदीक एक शराबी ने कार से नान की रेड़ी को मारी टक्कर। पुलिस ने आरोपी को किया काबू। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में 12वीं पैन पैसिफिक मास्टर गेम्स नेशनल अवार्ड अध्यापक ने जीता कांस्य पदक। वापस लौटने पर किया भव्य स्वागत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।